गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि एस्कोमाइसिटिस क्लास के अंदर एस्कस का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। एस्कोमाइसिटिस क्लास के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एस्कोगोनियम और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया, इसमें जो है प्लाज्मोगेमी होने के बाद डाइकेरियन बनते हैं और डाइकेरियन बनने के बाद एस्कोगोनियम की वॉल से जो है एस्कोजेनस हाइफी का डेवलपमेंट होता है और एस्कोजेनस हाइफी का डेवलपमेंट होने के बाद में जो है उस एस्कोजेनस हाइफी में डाइकेरियन शिफ्ट होते हैं और एक क्रोजियर लाइक स्ट्रक्चर बनती है। एक क्रोजियर स्ट्रक्चर बनने के बाद वो क्रोजियर जो है इसके अंदर फिर उस डाइकेरियन में डिवीजन होता है और फोर न्यूक्लियेट कंडीशन एस्टेब्लिश होती है और उसके बाद उसके अंदर हुक लाइक स्ट्रक्चर क्रोजियर में जो है सेपरेशन होता है और थ्री सेल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, एपिकल सेल, बेसल सेल और पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल आगे चल करके एस्कस मदर सेल का निर्माण करती है और उसके अंदर फिर जो है जो दोनों न्यूक्लियाई होते हैं और वो दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के और डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं और ये डिप्लॉयड न्यूक्लियाई वाली जो पेनल्टीमेट सेल्स और जो एस्कस मदर सेल होती है वो सेल एस्कस का निर्माण करती है और ये एस्कस जो है आगे चल करके जो है इसमें मियोसिस होता है सबसे पहले और उसके अंदर फिर एक माइटोसिस होकर के आठ केंद्रक की अवस्था जो बनती है और ये आठ केंद्रक जो आगे चल करके और आठ एस्को बीजाणु बनाते हैं। तो इस तरह से जो है हमने पिछली क्लास में जो है एस्कस और एस्कोस्पोर का निर्माण किस तरह से होता है वो पढ़ा था। आज हम बात करते हैं एस्कोकार्प का निर्माण किस तरह से होता है एस्कोमाइसिटिस क्लास के बारे में। एस्कोमाइसिटिस में जैसे जैसे एस्कस का निर्माण होता है उस अवस्था के दौरान उस जो है स्थिति में जो है एस्कस के जो बेस पर जो माइसिलियम होता है वो माइसिलियम इसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है, उसके चारों तरफ से जो है एक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है और ये स्ट्रक्चर जो है एक तरह से जो माइसिलियम इंटरवाइन होकर के और स्यूडो पेरेन्काइमेटस और प्रोसेन्काइमेटस स्ट्रक्चर का निर्माण करता है और उस एसआई को जो है जो एसआई बनती है एस्कोस्पोर बनते हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है और एस्कस एस्कोस्पोर और इसको प्रोटेक्ट करने वाली जो स्यूडो पेरेन्काइमा या प्रोसेन्काइमेटस लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो सारी मिला करके और एक फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करती है और उस फ्रूटिंग बॉडी को हम कहते हैं एस्कोकार्प। और इस एस्कोकार्प के अंदर जो एस्कस होते हैं वो एस्कस एक लीनियर ऑर्डर में रहते हैं, लाइन में रहते हैं और एस्कस के अलावा भी इसके अंदर जो है दो एस्कस के बीच में कुछ स्टेराइल स्ट्रक्चर पाई जाती है, कुछ हाइफी पाए जाते हैं, वो हाइफी कहलाते हैं पैराफाइसिस। और पैराफाइसिस और एस्कस की जो एक लेयर होती है वो लेयर कहलाती है हाइमीनियम या फर्टाइल लेयर। तो इस तरह से जो है एस्कोमाइसिटिस के अंदर अगर हम किसी भी जो है फ्रूटिंग बॉडी का सेक्शन काटें तो उसकी फर्टाइल लेयर जो होती है वो हमें दिखाई देती है और वो लेयर कहलाती है हाइमीनियम। अब बात करते हैं एस्कोस्पोर कि कितने तरह के जो है एस्कोस्कार्प जो है एस्कोमाइसिटिस क्लास के अंदर पाए जाते हैं उसके बारे में जो है बात करते हैं। एस्कोमाइसिटिस क्लास के अंदर सामान्यतः जो है तीन तरह के जो है फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है, एपोथीशिया, पेरिथीशिया और क्लिस्टोथीशिया। तीन तरह की फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है। अब ये किस तरह से दिखाई देती है, इसकी जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी होती है जो है उसको जो है उसका डायग्राम बना करके समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपोथीशिया की।
ये एप्रोथीसिया की स्ट्रक्चर है, एक जो है ये प्यालिनोवा संरचना है, कप्सेप्ड स्ट्रक्चर, और इसमें जो है इसके शीर्ष भाग पर जो है ये एस्कस, और एस्कस के अंदर इस तरह से ये एस्कोस्पोर लगे हुए हैं, और दो एस्कस के बीच में एक फर्टाइल हाइफी जो पाया जा रहा है उसको कहते हैं पैराफाइसिस। तो इस तरह से ये एस्कस और पैराफाइसिस जो है अल्टरनेट ऑर्डर में रहते हैं, और एस्कस, एस्कोस्पोर और इस तरह से पैराफाइसिस की जो लेयर कहलाती है वो लेयर हाइमीनियम कहलाती है, जो कि एक एस्कोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी के लिए एक फर्टाइल लेयर कहलाती है। तो इस तरह से ये एपोथीसिया दिखाई देती है। दूसरी तरह की जो है एपोथीसिया पेरिथीशियम इस तरह से दिखाई देती है। ये पेरिथीशियम और ये एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें जो है इसके बॉटम पर जो है ये एस्कस और एस्कोस्पोर यहाँ लगे रहते हैं, और इस एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर रिलीज होने के बाद यहाँ से जो है बाहर की ओर जाने के लिए एक ऊपर की ओर एक पोर पाया जाता है, और वो पोर कहलाता है ऑस्टियोल। और जैसे ही यहाँ से एस्कोस्पोर रिलीज होंगे इस ऑस्टियोल के द्वारा जो है बाहर की ओर यहाँ से एस्कोस्पोर रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरह की फ्रूटिंग बॉडी जो है क्लेविसेप्स वगैरह जो है फंगस के अंदर पाई जाती है। तीसरी तरह का जो है फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसिया एस्कोकार्प, वो एस्कोकार्प है प्लेस्टोथीसिया। प्लेस्टोथीसियम जो है इस तरह से दिखाई देती है।
क्लिस्टोथीसियम फ्रूटिंग बॉडी। ये फ्रूटिंग बॉडी जो है चारों तरफ से बंद संरचना, गोलाकार संरचना होती है, और ये संरचना जो है जब एस्कस का निर्माण होता है तो उसके बेसिस पर, जो आधार पर जो माइसिलियम होता है, इसको चारों तरफ से जो है एसआई को और एस्कस को घेर लेते हैं। और अब यहाँ पर जो है पूरी तरह से ये एस्कस जो है इसके अंदर बंद हो गए हैं, यहाँ से बाहर निकलने का इसके पास में कोई रास्ता नहीं है, और ये तब तक अंदर रहेंगे जब तक ये क्लिस्टोथीसियम की वॉल जो है सड़ नहीं जाती, गल नहीं जाती, तब तक जो है इसके अंदर रहेंगे। जैसे इसकी वॉल रप्चर होगी सड़ने का और गलने के बाद में, तब यहाँ से जो है ये एसआई और एस्कोस्पोर बाहर की ओर रिलीज होंगे। तो इस तरह से चारों तरफ से बंद संरचना जो है, जो फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प है, वो क्लिस्टोथीसियम कहलाती है, और ये फ्रूटिंग बॉडी जो है पेनिसिलियम के अंदर पाई जाती है। तो इस तरह से जो है एस्कोमाइसिटिस क्लास के अंदर मोटे तौर पर जो है तीन तरह की फ्रूटिंग बॉडी, एपोथीशिया, पेरीथीशिया और क्लिस्टोथीशिया पाई जाती है। थैंक यू।